नमस्कार विद्यार्थियों, श्री एस एम विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ आपको हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, आप थोड़ा समय ऑफलाइन में अभ्यास करो एम ते थोड़ा घना पाठ जोया हे। हमें आ कोरोना परिस्थिति प्रमाण आप फरी पाचा ऑनलाइन टीचिंग लेव जरूरी है। तो अँ दसमु पाठ जो है ए अमुक वर्गों की अंदर चालो तो अमुक वर्ग में नहीं चालो एट हूँ फरी वार दसमो पाठ जो है ये लू छूँ। पाठ जो है आप ध्यानपूर्वक समझो। तो अँ काव्य नाम है भारत गौरव, जेना कवि है मैथिली शरण गुप्त। सौ प्रथम आप कवि परिचय जो ले त्यारबाद काव्य अभ्यास करूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। बाल्य अवस्था से ही आपने कविता में आपकी रुचि रही है और आप सरस्वती पत्रिका में आपकी प्रारंभिक शिक्षाएं प्रकाशित होती रही है। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो भारत भारती काव्य भारत गौरव काव्य जो है वह भारत भारती में से लिया गया है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सहज ढंग से भारत के भूतकाल को, वर्तमान स्थिति को और भविष्य के बारे में हमें बताया है। भारत का भूतकाल कैसा था और भारत की जो है वर्तमान स्थिति कैसी है और भारत जो है उसका भविष्य कैसा होगा, यह तीनों जो काल जो हैं उसके बारे में गुप्त जी ने हमें भारत भारती नामक उनका जो बड़ा काव्य है उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो है भारत भारती में से भारत गौरव जो है काव्य लिया गया है। बहुत ही काव्य जो है उसका भाव जो है वह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गुप्त जी का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है, उसका भौगोलिक स्थान इतना सुंदर है कि चारों ओर प्रकृति का नयन रम्य दृश्य हमको देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तर में हम देखते हैं कि गिरिराज हिमालय है और दक्षिण में जो हम देखते हैं तो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। पूर्व की यदि बात करें तो हमारे पूर्व दिशा में जो है वो बंगाल का अखात या ब्रह्मदेश आया हुआ है और हम पश्चिम की बात करें तो अरब सागर आया हुआ है। यहाँ पर चारों ओर जो है प्रकृति का लीला स्थान जो है आया हुआ है। इसके कारण जो है भारत की भूमि जो है इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र है कि यहाँ पर जो है स्वयं भगवान ने भी जन्म लिया है। हमारे जो भगवान है राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सारे भगवान ने वैभव का जो विस्तार है यहीं से शुरू किया था। इसलिए कवि जो है हमें बताते हैं कि भारत गौरव, भारत का गौरव जो है वह इतना बड़ा है कि इस उसकी शब्दों में हम चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है भारत के मूल निवासी की बात करें तो भारत के मूल निवासी जो है वह आर्य है। आर्य जो है वो ऐसे पवित्र और पवित्र ब्राह्मण थे जो उत्तर दिशा की ओर जाकर बसे थे और आर्यों ने ही हमारे देश में हिंदू धर्म की स्थापना की थी और आर्यों के कारण ही आर्य संस्कृति प्रचलित हुई और आर्य संस्कृति बाद में जो है भारतीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि आर्य जो है हमारे मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर जो काव्य के जो मुख्य बिंदु है उसमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान स्थिति की बात की गई है और उसके साथ साथ हमारे जो मूल निवासी थे आर्यों के गुणों के बारे में भी कहा गया है। तो अब हम काव्य के द्वारा इस काव्य का जो है सारांश समझने का प्रयास करेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थान कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका के जो ऋषि भूमि है वह कौन है, वह भारतवर्ष है। कवि हमें शुरुआत में जो है प्रश्न पूछते हैं कि भूलोक का गौरव कैसे कौन है। भूलोक यानी संसार, इस संसार में सबसे ज्यादा गौरव किसका है, भूलोक यानी संसार, इस संसार में
में सबसे ज्यादा गौरव किस देश का है और प्रकृति का लीला स्थान कहाँ पर आया हुआ है कि जहाँ पर मनोहर हिमालय पर्वत आया हुआ है और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्रकृति का लीला स्थान आया हुआ है, जहाँ पर हिमालय जैसा मनोहर पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा किस देश का उत्कर्ष हुआ है, संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा किस देश का उत्कर्ष हुआ है और किस देश को ऋषि की भूमि कहा जाता है, जहाँ ऋषियों की भूमि कहा जाता है वह देश कौन सा है, वह भारत देश है। तो यहाँ पर कवि जो है हमें शुरुआत में प्रश्न करते हैं, उसके बाद उन्होंने ही प्रश्न का उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि भूलोक का गौरव कौन है, प्रकृति का लीला स्थान कहाँ पर आया हुआ है और जहाँ पर मनोहर हिमालय पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है और संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा अधिक उत्कर्ष किस देश का हुआ है और इसको ऋषि की भूमि कहा जाता है, ऐसा कौन सा देश है, तो वह भारत देश है। तो यहाँ कवि जो है प्रश्नों के द्वारा जो है विषयाभिमुख करते हैं और बाद में वे ही प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ऐसा एक ही देश है जो सारे संसार में सबसे ज्यादा उत्कर्ष करने वाला है, जिसे ऋषियों की भूमि कहा जाता है, प्रकृति का लीला स्थान कहा जा सकता है, ऐसा कोई देश है तो वह भारत देश है। हाँ वृद्ध भारत ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भौगोलिक का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का यही विस्तार है। हाँ वृद्ध भारत देश ही संसार का सिर मोर है, सिर मोर याने सर्वश्रेष्ठ, वृद्ध याने प्राचीन देश। हाँ संसार का सबसे वृद्ध याने के प्राचीन जो देश है वह भारत देश है, और ऐसा देश जो है वह विश्व में क्या और है, देना उसके जैसा प्राचीन देश जो है वह कहीं विश्व में नहीं है और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, सिर मोर याने सर्वश्रेष्ठ, और भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन देश है और उसके जैसा प्राचीन देश विश्व में कोई और क्या है, और भारत जैसा प्राचीन देश जो है वह विश्व में और कोई नहीं है, जहाँ पर भगवान की भवगोतियों का प्रथम यही भंडार था, यानी कि ये भगवान ने भी अपने वैभव की शुरुआत जो है यहीं से शुरू की थी। यहाँ पर भारत की भूमि इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ पर स्वयं भगवान ने जो है वह जन्म लिया था, जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर, और इन भगवान ने जो है सारे वैभव का भंडार जो है वह यहीं से शुरू किया था। और विधि यानी ब्रह्मा जी ने भी नर सृष्टि का सर्जन यहीं से शुरू किया था। यह देश इतना पवित्र है, यहाँ की मिट्टी इतनी जो है पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया था, इसलिए कवि कहते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ देश और सबसे प्राचीन देश जो कोई है तो वो भारत देश है, और भारत देश में ही सभी भगवान ने अपने वैभव की शुरुआत यहीं से की थी। और ब्रह्मा जी ने यानी कि जो सर्जन करने वाला देवता है जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी जब पहले मनुष्य की शुरुआत की थी तो यहीं से शुरू की थी। तो ब्रह्मा जी ने नर सृष्टि का सर्जन यहीं से शुरू किया था। तो भारत देश जो है वह उसका भूतकाल जो है वह भव्य है। इन दो परिच्छेद में कवि ने हमें भारत के भूतकाल के बारे में बताया है कि भारत का भूतकाल कैसा है। तो यहाँ पर प्रकृति का लीला स्थान भी आया हुआ है और भगवान की भवभूति का यह प्रथम भंडार है, ऋषियों का देश है, और यहाँ की जो भूमि है वो इतनी पवित्र है और संसार में इसके जैसा कोई विचार दूसरा देश दिखाई नहीं देता। तीसरे परिच्छेद में कवि कहते हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल में सबसे जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। हाँ यह पुण्य भूमि बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ के मूल निवासी जो है वह आर्य है, यहाँ की जो भूमि है वह यहाँ पुण्य भूमि जो है वह प्रसिद्ध है और यहाँ के जो मूल निवासी है, भारत में भारत एक द्वीप था
जम्बू द्वीप समूह था और यहाँ पर जो पहली प्रजाति आकर बसी थी वो आर्य थे। आर्य जो थे वो बड़े पवित्र और संस्कारी ब्राह्मण माने जाते थे और वे जो है वे उत्तर दिशा की ओर आकर बसे थे। तो भारत के जो मूल निवासी हैं वो आर्य हैं और आर्य जो है वो विद्या कला और कौशल्य में सर्वप्रथम आचार्य थे। यहाँ पर जो आर्यों की हम बात करते हैं तो आर्य जो है वो विद्या हो कला हो चाहे वो कौशल्य हो सबसे पहले वे आचार्य थे। आर्य की हम बात करें तो आर्य के बारे में आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। तो चाणक्य जो है वह एक शुद्ध ब्राह्मण थे और वे आर्य थे और उन्हीं के नाम पर से आज हम आर्य संस्कृति जो है वो प्रसिद्ध हुई और आर्य संस्कृति आज भारतीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आर्य हमारे देश के मूल निवासी माने जाते हैं और उन्होंने ही हमारे देश में हिंदू धर्म की स्थापना की थी। तो आर्य जो है वो बड़े पवित्र माने जाते थे और वे विद्या कला और कौशल्य में सर्वप्रथम आचार्य थे और उन्हीं के नाम पर से इस देश का नाम जो है उन्हीं के नाम पर से इस देश की संस्कृति जो है आर्य संस्कृति और बाद में भारतीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है। संतान उसकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े पर चिन्ह उसकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। संतान उसकी आज यदि यद्यपि वह अधोगति में पड़ी यानी कि आर्यों की संतान जो है यानी कि हम आर्यों की जो संतान है उसका जो वर्तमान उसकी जो वर्तमान स्थिति है वह कैसी है। तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। अधोगति यानी पतन की तरफ जा रही है। पतन यानी कि भारत देश में आर्यों की संतान जो है यानी कि वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है क्योंकि विज्ञान की प्रगति के कारण आज कई जो है वो प्रदूषण की समस्याएं पैदा हुई हैं और उसके कारण जो है कई सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। उसके अलावा जो है गरीबी बेकारी निरक्षरता और अंधविश्वास इन कारणों के कारण भारत की प्रजा आज जो है वो मुसीबतों के सामने जूझ रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत का जो है वह एक ऐसा देश है उसके मूल निवासी आर्य है लेकिन आर्यों की संतान जो है वो आज अधोगति में जी रहे हैं और आर्यों की संतान जो है वह अधोगति में जी रहे हैं यानी कि पतन की तरफ जा रही है लेकिन उसकी जो उच्चता के गुण है वह आज भी उसमें विद्यमान है। उसके जो संस्कार है उसके जो गुण है वो आज भी उसके मन में जो है वो मौजूद है। आर्यों के जो गुण है वो नष्ट नहीं हुए हैं लेकिन आज भी वो उस पथ पर भले ही उसके जो गुण जो है छिप गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि आर्यों के गुण जो है आज भी प्रजा में मौजूद है यानी कि वर्तमान स्थिति भले ही हम अधोगति में जी रहे हैं लेकिन उसका भविष्य जो है वह उज्जवल है क्योंकि भविष्य जो है वह आज भी हम देख सकते हैं कि आर्यों के गुण के कारण जो है वह विश्व में जो है भारत फिर से उठेगा और दुनिया के देशों में अपना नाम फिर से चमकाएगा। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे स्वार्थी रथ हो मोह मदिरा नहीं पीते थे संसार पर उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे और कभी भी निश्चिष्ट होकर नहीं बैठे रहते थे। तो वे आर्य ही थे जो अपने लिए कभी नहीं जीते थे। आर्यों के गुणों की बात करें हम तो आर्य एक ऐसी जाति थी ब्राह्मण जाति थी शुद्ध और पवित्र जाति थी जिसने हिंदू धर्म की स्थापना की। उसका मूल उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म की स्थापना करना। तो आर्य जो है वह कभी अपने लिए नहीं जीते थे और स्वार्थी बनकर कभी भी मोह की मदिरा नहीं पीते थे और संसार पर उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे और कभी भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठे रहते थे। आर्यों का काम और उनकी गुण जो है वह आज भी
हम उसके गुणों को याद करते हैं। वे विद्या कला और कौशल्य में तो प्रचलित ही थे, सर्वप्रथम आचार्य ही थे। फिर भी आर्य जो है उनके गुण जो है इतने प्रसिद्ध थे कि हिंदू धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने चारों ओर जो है परिक्रमाएं की और उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की। तो भारत के मूल निवासी आर्य ही हैं। तो यहाँ गुप्त जी जो है उन्होंने भारत के भव्य भूतकाल के बारे में बताया हमें कि भूतकाल भारत का कैसा था और वर्तमान स्थिति क्या है। तो वह अधोगति में जी रही है क्योंकि आर्यों की संतान जो है वह आज पतन की ओर जा रही है, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि आर्यों के जो गुण है वह अभी नष्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ विशेष बिंदु की बात करें तो भारत का भव्य जो है भारत का जो भूतकाल था वह भव्य था, भारत की वर्तमान स्थिति जो है वह अधोगति में जी रही है, वर्तमान स्थिति अधोगति में है, और भारत के मूल निवासी जो है वह आर्य है। आर्यों के बारे में आपको लिखना हो सकता है कि आर्य कैसे थे। तो विद्या कला और कौशल्य में प्रसिद्ध थे और भारत के मूल निवासी आर्य थे, और भारत का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है क्योंकि भारत जो है उसकी प्रजा में आज भी आर्यों के वे गुण जो है वो प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ की बात करें तो मनोहर यानी सुंदर, भूलोक यानी संसार, पुरातन यानी प्राचीन, विधि यानी ब्रह्मा, और यहाँ पर हम देखते हैं अधोगति तो उसका मतलब है पतन। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दार्थ देखे और काव्य के विशेष बिंदु देखे। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। आपको परीक्षा में कुछ प्रश्नों के भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं। तो यहाँ पर भारत में
प्रकृति का लीला स्थान क्यों कहा गया है? तो यहाँ हिमालय जैसा पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। और यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो भारत को रुद्र क्यों कहा गया है? संसार का सबसे प्राचीन देश है। यह संसार का सबसे प्राचीन देश है, इसलिए उसे भूत कहा गया है। संसार में सबसे प्राचीन जो देश है वह जो है भारत को माना गया है। भारत के मूल निवासी कौन है? भारत के मूल निवासी कौन है? तो भारत के मूल निवासी आर्य है। आर्य जो है वो भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। आर्य किन किन विषय में प्रवीण है? तो आर्य विद्या, कला और कौशल्य में प्रवीण है। विद्या, कला और कौशल्य में प्रवीण है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। विधाता ने नर सृष्टि का सर्जन कहीं कहां से शुरू किया था? तो विधाता ने नर सृष्टि का सर्जन यहां भारत से ही शुरू किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? तो आर्य जो है वह कभी अपने लिए नहीं जीते थे, स्वार्थी होकर मुंह की मदिरा कभी नहीं पीते थे और संसार के ऊपर उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे और कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठे रहते थे। तो यह आर्यों की विशेषताएं रही है। और यहाँ पर गुप्त जी ने जो है हमें समझाया है कि भारत गौरव यानी कि भारत का भूतकाल बहुत ही भव्य है और वर्तमान स्थिति भले ही अधोगति में जी रही है लेकिन उसका भविष्य जो है वह उज्जवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्यों के जो गुण हैं वह आज भी लोगों में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्नों की भी चर्चा कर ली है। आशा है आपको सबको यह कार्य जो है समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और नए टॉपिक के बारे में आपसे बातें करूंगी। तब तक के लिए मैं आगे चलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।